ग्राम सभा आम सभा जैसे बैठक तो दूर पंचायत भवन में नहीं बैठते कोई जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी। सरकार सभी क्षेत्रों में विकास के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने का दावा करती है, साथ ही शासकीय भवनों का साफ सफाई हेतु शासन प्रशासन द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। हर क्षेत्र में अपना जनप्रतिनिधि से लेकर शासकीय कर्मचारी लगा रखा है, जिसे शासन से आने वाली जनहित कार्य के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हेतु एवं क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर से बेहतर कार्य योजना का लाभ हो सके। किंतु कुछ लोगों की उदासीनता के चलते सब चौपट है। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत मैनपुर के ग्राम पंचायत साहेबाधा का है, जहां पर पंचायत भवन का बदतर हालत साफ नजर आता है, जिसको देखकर प्रथम दृष्टया से ही ऐसा लगता है जैसे यहां पर जनप्रतिनिधि तथा पंचायत कर्मी को स्वच्छता के प्रति कोई ध्यान ही नहीं है। पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवनों का हालत देखे तो ऐसा लगता है कई वर्षों से इस भवन को खोले ही नहीं है, जिसके कारण पंचायत भवन की हालत बदतर होकर खंडहर में तब्दील होने वाली है। और पंचायत भवन के आसपास ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही साफ सफाई। भवन के चारों तरफ कूड़ा करकट से भरा पड़ा है। आखिर ग्राम पंचायत में स्वच्छता की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? जी बताएंगे, पंचायत का हालत ऐसे कैसे हो गया? इसमें तो कोई सरपंच सचिव कोई देख ही नहीं रहा है। हाँ, कोई मीटिंग भी नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया। ग्राम सभा में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है। सरपंच सचिव आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो अभी ये पंचायत का हालत ऐसे है, तो हाँ। इसकी शिकायत आपने किस किस को किया है? शिकायत तो अभी नहीं किए हैं। जी बताएंगे पंचायत का हालत इतना जर्जर कैसे है? पंचायत का हाल है, आप देख रहे हो, ये देख रहे हो कैसे हो गया है। और ये सरपंच लोग भी, तो ये लोग मीटिंग में बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। ग्राम सभा आम सभा भी होता है तो वो लोग नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। तो अभी जो नया सचिव आई है, हाँ? वो आती है कि नहीं आती है? आती है, मगर पंचायत पे इतना बैठते नहीं है, वो नहीं बैठते, घूम घाम कैसे चले जाते हैं। और सरपंच? सरपंच तो आते नहीं है। तो जैसे यहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कैसे करना पड़ता है? मैनपुर से ईश्वर सिंह यादव की रिपोर्ट। बस देखते रहिए सीजी विजन टीवी।